अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए तैयार करते हैं कुछ। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया और इसमें ऑयल और थोड़े से हम सॉल्ट ऐड करके इसको मिक्स करके एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे थोड़ा टेस्ट के लिए ना। तो फर्स्ट टाइम मैं ऐसा टेस्ट ला रही हूँ, मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ऐसे कि कैसा टेस्ट आता है। ठीक है, तो हमारे पास बचे हुए लेफ्ट ओवर चने थे जो कि जैसे चने बनते हैं बस वैसे ही मैंने बनाया है। अगर आपके पास भी बचता है तो आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सबको पसंद आएगा, पूरे घर वालों को। तो बस मैंने उसको ग्राइंड कर लिया अच्छे से और इसमें छोले मसाले मैंने थोड़े से ऐड कर दिए ताकि थोड़ा और टेस्ट आ जाए। अगर बाई चांस आपका क्या हो जाता है, इन केस आपका चना बनाते हैं और बहुत ही तीखा हो जाता है, थोड़े से नमक सॉल्ट ज़्यादा हो जाते हैं, तब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे कचौरी बनाइए सारा सब कुछ मतलब इक्वल हो जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार इसको ट्राई कर चुका है, जब बहुत ही तीखा था तो मैंने ऐसे बना के और थोड़ा प्याज वगैरह ऐड करके हो गया था। तो इस टाइम मैंने मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ प्याज को थोड़ा सा कट किया क्योंकि मुझे चने ना थोड़े से लग रहे थे। अगर कम लगेंगे तो आप थोड़े और प्याज भी ऐड कर सकते हैं, जो सॉफ्ट होने पर थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा और थोड़ा आपका चना भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने प्याज भी ऐड कर दिया। तो चलिए फटाफट से, डो हमारे कुछ देर रेस्ट हो गए थे तो अब फटाफट से इसकी लोइयाँ गोलियाँ जो भी होती है छोटे छोटे पेड़े से बना लेते हैं और अच्छे से इसमें फिल कर देंगे। बस फिल करेंगे और क्या करेंगे, हाँ फ्राई करेंगे और आप सभी के साथ खाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं ऐसे ही जिसको फिल करना मतलब है, तो जितना है उसको बीच में हमें क्या करना है, इक्वल अमाउंट में रख देना है और अच्छे से इसका मुंह मतलब बंद कर देना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो आप सभी बताइए, क्या आप भी ये घर पर बनाएंगे? अगर हाँ बनाएंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा और कैसा लगा हमारा ये कचौरी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला। मतलब अगर आप चने पहले से बना के रखे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा और फटाफट से बन जाएगा और बहुत ही पसंद आएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, अभी जब मैंने इसको देखा तो फिर से मेरा खाने का मन हो गया। तो बहुत ही जल्द मैं फिर से बनाऊँगी और खाऊँगी इंशाल्लाह। और तब तक के बताइए हमारी वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।